बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद शाहनवाज जफर, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, जोराबाद कैंपस। दिस इज़ लेक्चर 27 ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज निगोसिएशन। व्हाट इज निगोसिएशन? बार्गेनिंग and negotiations are two interchangeably used terms. Negotiation is a process in which two or more parties exchange goods or services and attempt to agree upon the exchange rate for them. In negotiation, there are five main points which elaborate negotiation in a better way. The first point is a joint process of finding a mutually acceptable solution to a complex conflict useful under these conditions. Two or more parties are present, conflict of interest between the two parties or more parties, and those parties are willing to negotiate. Parties prefer to work together rather than fight openly or give in, break off contact or take the dispute to a higher authority. मतलब negotiation एक ऐसा process है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा parties आपस में किसी एक mutually accepted outcome के ऊपर agree होने की कोशिश करती हैं। इसमें नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज का नेगोशिएट करने के लिए विलिंगनेस ज़रूरी है और उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी है। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो तभी वो नेगोशिएट करने के, बारगेन करने के इस तरफ आएंगे। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा या विलिंगनेस नहीं होगी नेगोशिएट करने की या एक दूसरे से बात करने की, तो फिर नेगोशिएशन का प्रोसेस पूरे तरीके से अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता। अगर वो लोग या पार्टीज कहें कि जी हम बात ही नहीं करना चाहते, वो कॉन्टेक्ट ब्रेक कर दें, या वो चाहें कि जी ये जो मामला है ये किसी हायर अथॉरिटी के पास लेके जाया जाए और वो जो फैसला करे वो काबिल कबूल होगा हम लोगों के लिए, तो फिर नेगोशिएशन का अमल नहीं होगा। There are two approaches to negotiation. Number one is distributive bargaining and the second is integrative bargaining. What is distributive bargaining? In distributive bargaining, the two parties share the outcome. मतलब वो दोनों parties को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। An example of distributive bargaining is buying a car. You go out to see the car, it's a great car and you want it. The owner tells you the asking price and you don't want to pay that much. The two of you negotiate over a price and then you both conclude on a certain decision. This is an example of distributive bargaining. The most widely cited example of distributive bargaining is in labor. Management and labor negotiate over wages. Parties A and B represent two negotiators. Each has a target point that defines what he or she would like to achieve. Each also has a resistance point which marks the lowest outcome that is acceptable. The area between these two points make up each one's aspiration range. Okay, two parties hain, मैनेजर है और लेबर है, वो दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं, वो दोनों नेगोशिएटर्स हैं, तो उन दोनों के जहन में एक टारगेट पॉइंट है। मैनेजर कहता है कि मैं आपको फलां वेज रेट दूंगा, लेबर कहती है कि जी नहीं हम फलां वेज रेट पे काम करेंगे, लेकिन असल में वो शायद दोनों जो मतलूबा पॉइंट है, जो वेज रेट है, उसकी बात नहीं कर रहे होते। फिर वो नेगोशिएट करते हैं,
मैनेजर थोड़ा ऊपर जाता है, लेबर थोड़ी नीचे आती है, और तब जाके वो किसी पॉइंट के ऊपर, किसी वेज रेट के ऊपर उनका फैसला हो जाता है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, के जिसमें दोनों पार्टीज कुछ गेन करती हैं, कुछ लूज करती हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेगोशिएशन का प्रोसेस, बार्गेनिंग का प्रोसेस और लेन देन का प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दोनों कुछ फ़ायदा छोड़ते हैं और कुछ नुकसान छोड़ते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। देन कम्स इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव कॉल इन द ऑर्डर एंड इज टोल्ड दैट द फर्म कैनॉट अप्रूव क्रेडिट टू दिस कस्टमर बिकॉज ऑफ द पास्ट स्लो पे रिकॉर्ड। द नेक्स्ट डे द सेल रिप्रेजेंटेटिव एंड द फर्म्स क्रेडिट मैनेजर्स मीट टू डिस्कस द प्रॉब्लम। दे वॉन्ट टू मेक द सेल बट डू नॉट वॉन्ट टू गेट स्टक विद अनकलेक्टेबल डेट। द टू ओपनली रिव्यू देयर ऑप्शंस। आफ्टर कंसिडरेबल डिस्कशन दे अग्री ऑन अ सोल्यूशन दैट मीट्स बोथ देयर नीड्स। द सेल विल गो थ्रू एंड बैंक गारंटी दैट विल इंश्योर पेमेंट इफ नॉट मेड इन 60 डेज। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग, विन विन बार्गेनिंग इज अ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी इन विच पार्टीज कोलैबोरेट टू फाइंड अ विन विन सॉल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट। दिस स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन द डेवलपिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स। मतलब ये कि इस एग्जाम्पल में भी जिस तरह आपने देखा है कि एक बैंक है, वो लोन देना चाहता है, लेकिन वो अपने कस्टमर को पास रिकॉर्ड देख के उसको लोन देने से घबरा रहा होता है, लेकिन असल में वो लोन देना भी चाह रहा होता है और कस्टमर लोन लेना चाह रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो मिलके बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी कोई आप गारंटी दें। कस्टमर को बैंकर कहता है कि आप गारंटी दें कि आप इतने दिनों में हमें लोन वापस दे देंगे। तो उससे वो गारंटी ले ली जाती है और उसको लोन दे दिया जाता है। तो दोनों पार्टीज अपना हदफ पूरा कर लेती हैं, जो कस्टमर है उसको लोन मिल जाता है, जो बैंकर है वो लोन देने में कामयाब हो जाता है, दोनों अपना हदफ पूरा कर लेते हैं और दोनों विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं। जबकि जो हमने पहले बार्गेनिंग स्टाइल पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वाला, उसमें दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ छोड़ रही होती हैं और कुछ ना कुछ हासिल कर रही होती हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज अपना मतलूबा हदफ हासिल कर रही होती हैं। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट्स विद प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। देन वी डिफाइन ग्राउंड रूल्स, देन क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, देन बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन द एंड क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन Preparation and planning, do you homework? What is the nature of the conflict? What is the history leading up to this negotiation? Who is involved and what are their perceptions of the conflict? What do you want from the negotiation? What are your goals? ये सब वो सवाल हैं जो आप preparation and planning में कर रहे होते हैं। आप अपने आप को एक असेसमेंट के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं कि दूसरी पार्टी आपके बारे में, जो दूसरी नेगोशिएशन की पार्टी है, वो आपके बारे में क्या सोच रही होगी। तो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में आप अपना होमवर्क करते हैं, आप उन सवालों के जवाब अपने जहन में लाते हैं कि हम क्यों इस नेगोशिएशन को के प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं, कन्फ्लिक्ट की नेचर क्या है, इस तरह की नेगोशिएशन की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्या वे कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और अगर होती हैं तो कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिसके ज़रिए ये नेगोशिएशंस कामयाब होती हैं। दूसरे स्टेप में हम डिफाइन करते हैं ग्राउंड रूल्स। फॉर एग्जांपल, हु विल डू द नेगोशिएशन, वेयर विल इट टेक प्लेस, व्हाट टाइम कॉन्स्टेंट इफ एनी विल अप्लाई, टू व्हाट इश्यूज will negotiation be limited,
Will there be a specific procedure to follow if an impasse is reached? During this phase, the parties will also exchange their initial proposal or demands. ये जो दूसरी फेज है, दूसरा स्टेप है नेगोशिएशन प्रोसेस का, इसमें आप ग्राउंड रूल्स डिफाइन करते हैं कि कौन नेगोशिएशन करेगा, कौन बंदा बात करेगा, कहाँ पे बात की जाए, अगली पार्टी के लिए भी कंफर्टेबल हो, आपके लिए भी कंफर्टेबल हो। अगर टाइम कंस्ट्रेंट है, कोई डिसीजन ऐसा लेना है जो कुछ टाइम के अंदर लेना है, तो आपको उसको अप्लाई करना है या नहीं करना, कि नेगोशिएशन का प्रोसेस लंबा भी हो जाए लेकिन आपके मतलूबा अहदाफ पूरे हो जाए तो वो बेहतर है। तो ये कुछ असूल होते हैं आप इस सेकेंड फेज में अपनाते हैं। और इस फेज में जो पार्टीज होती हैं, जो नेगोशिएटर पार्टीज होती हैं, वो अपने इनिशियल प्रपोजल या डिमांड भी पेश कर देती हैं। देन कम द थर्ड फेज, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। व्हेन इनिशियल पोजीशंस हैव बीन एक्सचेंज, एक्सप्लेन, एम्पलीफाई, क्लैरिफाई एंड जस्टिफाई योर ओरिजिनल डिमांड्स। दिस नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थर्ड फेज में आके बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिमांड्स को, अपने स्टैंड्स को, अपना जो मुतालबा है उसको क्लियरली एक्सचेंज करना है दूसरी पार्टी के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है नेगोशिएशन का अमल सही तरह से आगे ना जा पाए, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे जा ही ना पाए, आप बार्गेनिंग पे जा ही ना पाए। आपने अगली पार्टी को ये यकीन दिलाना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसकी कोई हिस्ट्री है, उसकी कोई आपके पास फैक्ट्स हैं, वैलिड आर्गूमेंट्स हैं। जब आपके पास वैलिड आर्गूमेंट्स होंगे अपने स्टांस को पेश करने के, तो तब आप क्लियरली अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सचेंज कर पाएंगे। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, बार्गेनिंग and problem solving. The essence of negotiation process is the actual give and take in trying to hash out an agreement. Concessions will undoubtedly need to be made by both parties. Fourth phase mein, fourth step mein negotiation process ke aap kya karte hain ki ji aap इतना चल के आ चुके हैं, इतने बहस मुबहसा हो चुका है, बार्गेनिंग हो चुके हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आप किसी नतीजे पे, किसी फैसले पे पहुंच जाएं, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो नेगोशिएशन की वजह थी, जिस वजह से आपने इतना नेगोशिएशन का प्रोसेस अमल में लाए हैं, वो काम हो जाए, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। इन द एंड फिफ्थ फेज, closure and implementation. The final step, formalizing the agreement that has been worked out and developing any procedure that are necessary for implementation and monitoring. Major negotiations require hammering out the specific in a formal contract. For most cases, however, closure of the negotiation process is nothing more formal than a handshake. एंड पे आप क्या करते हैं, अगर तो आपने कोई बड़ा नेगोशिएशन का प्रोसेस अमल में लाए हैं, तो उसको बेहतर है कि आप लिख लें एक एग्रीमेंट के ऊपर आ जाएं, दोनों पार्टी साइन करते हैं, ताकि उससे को फिर ना सके। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि छोटे जो नेगोशिएशन के प्रोसेसेस होते हैं उनमें दोनों पार्टी एंड पे गले मिल के या हैंड शेक से भी उसको क्लोजर या इम्प्लीमेंटेशन के फेज में ले चले जाते हैं। जब हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं नेगोशिएशन में। वो इश्यूज कौन से हैं? द रोल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन नेगोशिएशन, जेंडर डिफरेंसेस इन नेगोशिएशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन नेगोशिएशन। ये तीन तरह के इश्यूज नॉर्मली हमें फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग नेगोशिएशन प्रोसेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रोल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो नेगोशिएशन में कोई ज़्यादा अमल उनका है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स का नेगोशिएशन के प्रोसेस में स्टडीज़ कहती हैं कि कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। इसी तरह से जेंडर डिफरेंसेस के, मतलब
औरत है या मर्द है तो वो डिफरेंट तरीके से नेगोशिएट करेंगे, ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मर्द हो या औरत हो जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हो, दोनों जो उनके मतलूबा अहदाफ होंगे उनको पूरा करने के लिए ही नेगोशिएट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मर्द होगा तो वो मर्दों की बात नहीं सुनेगा और अगर औरत होगी तो वो औरतों की बात नहीं सुनेगी या वाइस वर्सा। तो जेंडर डिफरेंशिएशन का नेगोशिएशन के अमल में या प्रोसेस में इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। तमाम पार्टी, ये एक मिथ है जो हमने या एक इशू हमने खुद से ही क्रिएट किया हुआ है अपने पास से ही कि जी अगर हमने औरतों से बात करनी है तो इस तरह से करनी पड़ेगी। अगर आप फॉर्मल बात कर रहे हैं, फॉर्मल नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो उसमें अगले बंदे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स का या जेंडर डिफरेंसेस का कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह से कल्चरल डिफरेंसेस भी कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं पेश कर रहे होते या डाल रहे होते नेगोशिएशन प्रोसेस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।